नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 30 अक्टूबर के सुबह 9 बजे से जहाँ दोस्तों यश में अंतराल में ग्रहों की बहुत ही शुभ स्थिति बनने वाली है। जय दोस्तों आपको बता दें कि यश में शनिवार का दिन होगा, अर्थात शनिदेव का दिन होगा। और ज्योतिष शास्त्र में जिस दिन भी शनिवार के दिन होते हैं, वर्ष में दुर्लभ शयों का निर्माण स्वयं शनिदेव करते हैं अपने भक्तों के लिए। अपने भक्तों की शनिदेव हमेशा रक्षा करते हैं, उनके कर्मों को देखकर उन्हें फल देते हैं, उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए नई दिशाएं भी प्रदान करती है। और यह शनिवार का समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यश में दुर्लभ शयों का निर्माण तो होगा, साथ ही साथ इन निर्माण में कई बड़े चमत्कार ऐसे होंगे जिनमें आप कार्य करेंगे, तो दोस्तों आपको यथासंभव बड़े बड़े लाभ मिलने वाले हैं, बड़ी बड़ी सफलताएं आपके हाथ लगने वाली है। जय दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से यश में जो भी कार्य आपके रुके हैं उनमें गति आने वाली है। आपके जीवन से सभी दुश्मन समाप्त होंगे और आपको यश में यथासंभव नए कार्यों की प्राप्ति होने वाली है। नए विचार आपके मन में आएंगे और नए आइडिया से आप नए नए कार्य को करेंगे और उनमें भी बहुत ही अच्छी सफलता को प्राप्त करने वाले हैं। जय दोस्तों आपको बता दें कि भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपका यश में बहुत ही लाभप्रद समय रहने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों अब आपका दायित्व होता है कि इन सभी समयों का आप किस प्रकार सदुपयोग में लाते हैं। जय दोस्तों ऐसे में दोस्तों आप वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि इन समय अंतराल में आपको किन चीज़ों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में और पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार होंगे, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखेगा, गुरु जी का और भगवान शनिदेव का सदैव आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों समय बेहतरीन है, आपके व्यक्तित्व के समक्ष विरोधी आपके परास्त होंगे और आप यश में अपने काम को बेहतरीन तरीके से संपन्न भी कर सकेंगे। दोस्तों युवा वर्ग को भी कोई बेहतरीन उपलब्धि यश में हासिल हो सकती है। इसके साथ दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए, आपको अपने बजट का ध्यान रखना चाहिए। घर से संबंधित किसी कार्य में अत्यधिक खर्चा भी हो सकता है। किसी के प्रति अपने मन में यश में आपको नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए। साथ ही दोस्तों यश में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आपको रखना चाहिए। दोस्तों इन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी, गौर करने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आप पर बना हुआ तनाव खत्म होने की वजह से मन में आपके समय प्रसन्नता रहेगी। परिवार के किसी व्यक्ति की सेहत में सुधार दिखने की वजह से भी आपके तनाव से आपको छुटकारा मिल सकता है। मित्र परिवार के साथ भी बिताया हुआ समय आपको आनंद देगा। परिवार के किसी प्रिय व्यक्ति से संबंधित खुशखबरी भी यश में आपको मिल सकती है, इसकी संभावना यश में बढ़ रही है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में स्थान परिवर्तन संबंधी कोई भी योजना बन रही है तो दोस्तों उसे कार्यरूप देने का उचित समय होगा। आय के नए स्रोत भी यश में बनेंगे और आर्थिक स्थिति भी यश में आपकी बेहतर रहेंगी। आपको बता दें कि यश में नजदीकी मित्र की सलाह आपके लिए परेशानियों से आपको राहत दिलवाएंगी, तो दोस्तों यश में आप नजदीकी मित्रों की सलाह ले सकते हैं, ये आपके लिए यश में बेहतर रहेंगे। और दोस्तों इसके उपरांत कभी भी अनुचित या फिर गैर कानूनी काम में रुचि ना लें, इसकी वजह से कोई जो है अपमानजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक वरिष्ठ सदस्यों का अनुभव तथा सहयोग आपको इसमें बहुत अधिक लाभदायक स्थितियाँ देने वाली है। दोस्तों ये आपके लिए लाभदायक रहेंगे तो इनका जो है जरूर उपयोग करें। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों काम से संबंधित अपनी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि जिसकी वजह से थोड़ा सा तनाव का सामना भी आपको इसमें करना पड़ सकता है। विचारों में क्लैरिटी न रहने की वजह से किसी भी बात में निर्णय लेना आपके लिए थोड़ा सा इसमें कठिन होगा, लेकिन दोस्तों केवल सोच विचार में ही आपका
जो है अधिक समय बर्बाद हो सकता है। इसलिए दोस्तों वर्तमान में रहने की पूरी कोशिश करनी होगी आपको यह समय, जिसके द्वारा विचारों के साथ साथ काम करने पर भी आपको ध्यान देना यह समय संभव होगा। और इसके उपरांत ये समय आपके लिए संभव होगी। आपको बता दें कि दोस्तों यह समय अपने आसपास की परेशानियों में कुछ बदलाव महसूस करेंगे और इन बदलावों का आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ने वाले हैं, जिसका अच्छा परिणाम आपको भविष्य में दिखेगा। सिर्फ आपको अपनी ऊर्जा एकत्रित करके दोबारा नई जो है नीतियाँ बनाने की जरूरत होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय किसी भी वरिष्ठ या फिर सम्मानित व्यक्ति के साथ वाद विवाद या फिर मतभेद में ना पड़े या फिर मतभेद ना उत्पन्न होने दें। दोस्तों यह समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि मेहनत करने में ही आपका भाग्य आपका सहयोग करेगा। तो दोस्तों इसमें मेहनत पूरा दिल और दिमाग से करें, किसी भी प्रकार की बहस या फिर गपशप करने से इनसे बचें, इनमें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ना करें। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि महत्वपूर्ण कार्यों की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करें, ये आपके लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए सुनोगे, आपको बता दें कि दोस्तों किसी व्यक्ति के साथ हो रहे वाद विवादों को और आगे ना बढ़ाएं, आपके द्वारा बोली गई कटु बातों की वजह से संबंध बिगड़ सकता है। दूसरा व्यक्ति अपने दिए हुए शब्द पर कायम न रहने की वजह से आपकी चिड़चापन बढ़ेगी। अपनी बात को जो है व्यक्ति के सामने सरलतापूर्वक रखने की आपको कोशिश करना चाहिए, लेकिन दोस्तों गुस्से पर आपको इसमें काबू भी रखना चाहिए, आपके लिए यह इसमें अत्यंत आवश्यक होंगे। तो दोस्तों जरूर इन पर ध्यान दें, ये आपके लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए इसमें होंगे, आपको बता दें कि परिस्थितियाँ दोस्तों यश में आपके पक्ष में हैं, परंतु भावनाओं के बजाय विवेक और चतुराई से आपको इसमें काम लेने की आवश्यकता होगी। दोस्तों आपके लिए उन्नतिदायक यश में साबित होगा। आपको बता दें कि अचानक ही किसी मित्र या फिर नजदीकी रिश्तेदार का आगमन भी हो सकता है, आपसे मेल मिलाप खुशी देगा। विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी कोई रुकावट भी इसमें दूर होगी। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपको अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत होगी। शांतिपूर्ण तरीके से स्थितियां पर विचार विमर्श करें, गुस्सा और जल्दबाजी आपके लिए इसमें नुकसानदायक रहेगा, तो इन पर गौर करें, इन पर ध्यान दें। दोस्तों कोई पैतृक संबंधी मसला भी इसमें उठ सकता है। और इसके उपरांत इसमें प्रस्तुति का पूरा अवलोकन करके ही आपको आगे बढ़ना अत्यंत आवश्यक होगा। और विद्यार्थियों को भी इसमें खुद से भी पढ़ाई से अधिक फायदा प्राप्त होगा। पैसे से संबंधित जागरूकता रखें, जरूरत से अधिक खर्चा होने के कारण आपकी चिंता बढ़ सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में व्यवसायिक गतिविधियों पर आपका पूर्ण नियंत्रण रहेगा। अधिकतर काम समय अनुसार पूरे हो जाएंगे, परंतु अपनी योजनाएं जो है किसी अनजान व्यक्ति से शेयर ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। नौकरी पेशा लोगों का भी अपने ऑफिस में मान सम्मान व फिर यश में साख बनी रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें दोस्तों व्यवसाय में कुछ सकारात्मक तथा फायदेमंद गतिविधियां भी रहेंगी। बीमा, इनकम टैक्स जैसी क्षेत्रों में कई बेहतरीन उपलब्धि भी इसमें आपको मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर जो है कार्यभार की अधिकता रहने वाली है, परंतु साथ ही कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी भी इसमें आपको मिल सकती है, जिनसे आपका मन इसमें प्रसन्न रहेगा और काम करने में इसमें आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसके उपरांत दोस्तों व्यवसायिक गतिविधियों में बहुत अधिक गंभीरता से सोच विचार व फिर मूल्यांकन करने की जरूरत होगी। आपको अपने काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों यश में जनसंपर्क का जो दायरा है और अधिक विस्तृत करें, आपको अपने कार्य क्षेत्र में अवश्य ही प्रगति नजर आएंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए सुनोगे, आपके करियर के लिए जो सुनोगे, दोस्तों आपको बता दें शायदारी से संबंधित बिजनेस में काम पहले जैसा ही चलता रहेगा। वर्तमान परिस्थितियों में कुछ बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों यश में पेमेंट कलेक्ट करने का उत्तम समय होगा। मार्केटिंग तथा मीडिया संबंधी कार्य में अपना ध्यान विशेष रूप से आपको केंद्रित करना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। बच्चों की किसी नकारात्मक गतिविधि का पता चलने से कुछ चिंता रह सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में जीवन साथी की सलाह व फिर सहयोग आपके मनोबल व फिर कार्य क्षमता को बनाकर रखेगा तथा आपसे संबंधों में और अधिक यश में नजदीकी आने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों घर परिवार में वाद विवाद जैसी स्थिति भी उत्पन्न न होने दें। दोस्तों आपको बता दें कि पति पत्नी आपसे सहयोग द्वारा वातावरण को शांतिपूर्ण बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर रहेंगे।
और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके घर परिवार के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों घर की छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नज़रअंदाज करें, इससे आपसे संबंध बेहतर रहेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जो है परिवार परेश में बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें, अर्थात आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों यश में सिर दर्द व फिर थकान जैसी स्थिति हावी हो सकती है। सर्दी से अपना यश में बचाव करें तथा उचित खान पान भी आपको यश में लेना चाहिए। दोस्तों ये चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर होंगे, तो इन पर आपको गौर करना चाहिए। और इसके उपरांत आपको बता दें, अगर आप साधनियों को बरतेंगे तो अंत में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। फिर भी दोस्तों अपने खान पान व फिर दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखना यश में आपके स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें कि हल्की फुल्की मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती है, जरा सी सावधानी आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ रखेगी। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है, यश में बिल्कुल भी यश में जो है लापरवाही ना करें और सभी चीज़ों को लेकर सावधान रहें। यह सभी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगी।